के लिए या अमेंडमेंट के लिए या एडिशन के लिए रसूल आए, लेकिन ये जो मेरा आखिरी नबी है, ये जो मेरा आखिरी रसूल है, ये जो तुम्हें कानून देगा, ये वक्त को बदलता जाएगा, वक्त में हिम्मत नहीं कि इस कानून को बदल, ये कयामत तक के लिए सफिशियंट है। नो नीड ऑफ अमेंडमेंट, नो नीड ऑफ एडिशन, नो नीड एनी न्यू एक्सप्लेनेशन, इतना परफेक्ट है। डेथ कुरान मैंने दिया है आखिरी किताब, तब इसके बाद कोई किताब नहीं, और जो मैंने नबी दिया है उसके बाद कोई नबी नहीं, और जो मैंने तुम्हें दीन दे दिया उसके बाद कोई नया दीन। लेकिन हुआ क्या, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, जरूरत का दरवाजा खुला है, हिदायत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है, इमामत का दरवाजा खुला है, खिलाफत का दरवाजा खुला है, रुश्द और हिदायत का दरवाजा खुला है। मुझे पहचानना है तो मुझे पहचानने के लिए नबी को पहचान, अब नबी नहीं आएगा तो कोई तो उसकी जगह आएगा। चेहरे बदल जाते हैं, कुर्सी नहीं बदलती, और पावर नाम है कुर्सी का। ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है इंग्लैंड में, पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो आज है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी नहीं रहा, एक मोहतरमा आई आज वो भी नहीं रही, फिर उसके बाद एक साहब आ गए पिछले साल, इस साल कोई नए साहब आ गए, पावर में कोई कमी, चेहरा अलग है। इसलिए कि यहां प्राइम मिनिस्टर निजाम के लिए चुना गया और रसूल की जगह पर अल्लाह का वली इस्लाम के लिए चुना गया, नबी तो नबी की जगह वली आया, तो बदला हुआ चेहरा न दे, जिम्मेदारी, ड्यूटी, बंदगी, तबलीग, दावत, इस्लामी दावत कल नबी ने दी, आज वही दावत वली दे रहा है। तो ये बात है कि चेहरा बदल गया, ड्यूटी नहीं बदली। और वली की एक सबसे बड़ी शान जो मैं आपको बताऊं, हर वली की है कुछ शान, बहुत से आदम की इसी है जो गरीब नवाज में नहीं, जो गरीब नवाज में शान है वो किसी और में नहीं, ये डिफरेंसेस जो है तशख्स होते हैं, अलग अलग पहचान होती है, लेकिन एक क्वालिटी वली की ऐसी बताने जा रहा हूं जो हर वली में। और अगर वो क्वालिटी उसमें नहीं है तो वो वली नहीं है। पहले ये समझो, क्या कैन यू डू जॉब ऑफ मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री? कैन यू डू जॉब ऑफ सेक्रेटरी विदाउट सेक्रेटरीशिप? कैन यू डू वर्क ऑफ प्रेसिडेंट विदाउट प्रेसिडेंटशिप? कह सकते हो मैं तुमको वजीर आजम ना बनाऊ, बता सकते उसमें का काम कर पाओगे? तो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, या सारा जहान हो, बगैर सदारत के कोई सदर का काम नहीं कर सकता, बगैर वजारत के कोई वजीर का काम नहीं कर सकता, बगैर निजामत के कोई नाजिम का काम। लॉजिक
philosophy kya hai, why a one is important when he was on the earth and he is still important when he is in the earth. Wali upon floor he is important, and wali in the grave then he is also important. Abhe important to tum bhi ho. सारे बच्चे अल्लाह को अच्छा रखते और दावत इस्लामी की रूहानियत में और इजाफा, और कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को बराबर इस्लामी एटमोसफियर दे रहे हैं, माहौल दे रहे हैं। ये मेरा बच्चा है, क्या क्या करते हो, कंधे में भी जाते हो, गोद में लेते हो, चॉकलेट खिलाते हो, रोता है तो चुप कराते हो, जागता है तो सोलाते हो, लुक अफ्टर करते हो, बड़ा प्यार करते हो, कभी ये गाल चूमते हो, कभी ये गाल चूमते हो, छोड़ने को दिल करता है ना। लेकिन वही बात अपने उसी प्यारे लाडले बेटे को अपने घर में रखने को तैयार नहीं, कुछ खिलाते पिलाने के लिए तैयार नहीं। कब, जब उसके जिस्म से रूह निकल जाए। हमारे जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो जानते हो हमारे घर साथ क्या बर्ताव करती है हमारी कौम, कंधे भी उगा दी, नहला धोला कर एक ही कपड़ा फाइनल, बदलती भी नहीं कि हर जुमा को कबर खोद के कपड़ा ही चेंज कर दिया करो। अब जाओ, तुम जानो तुम्हारा हाल जाने, इतनी इज्जत जो आपकी हो रही है, इतने गड्ढे में डाला जाता है कि खड़ा हो जाए कभी बाहर ना आता। अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हो, तेरी रूह निकल गई और अब्बा की निकल जाए तो यही लड़का करता, पीर साहब की रूह निकल जाए तो मुरीद करते, और मुरीद की रूह निकल जाए तो पीर साहब भी गड्ढे में ले जाते। अब सारी इज्जत क्या हुई, वो सारी अहमियत, इंपॉर्टेंट जब तक जिसमें रूह थी, तुझे बाप ने चूमा, बीवी ने अहमियत दिया, बच्चों ने अदब किया, मुरीदों ने दसबोसी किया, जब तक जिसमें रूह है अहमियत है, चर्चा है, फेम है, शोहरत है, जैसे रूह निकल गई सारी अहमियत खत्म। हॉस्पिटल में रखने को लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं, और घर में रखने के लिए फैमिली तैयार। लेकिन अगर ये रूह फिर जिसमें आ जाए तो फिर अहमियत होगी, फिर इज्जत होगी, फिर सोसाइटी में वेट होगा। तो जिनके जिस्म से रूह निकलकर चली जाए वो कब्रिस्तान के सन्नाटों में गुम हो जाते हैं, और जिन अल्लाह के नेक बंदों की निकली हुई रूह को फिर उनके जिस्म में डाल दिया जाए, उसे उसकी जिंदगी अहमियत बनवाती है। अगर देखना है कि कब्र के जिस्म में कैसे रूह होती है तो लाहौर में दाता को देख, अजमेर में खाजा को देख, तो जब उम्मती अल्लाह का बंदा अब वली का दामन पकड़कर नबी से होता हुआ चले तो वो रब